दोस्तों, हम जिस खूबसूरत पृथ्वी पर रहते हैं, जिसे हम अपना घर भी मानते हैं, क्या आप जानते हैं इसका अंत कब होगा? वैसे तो आपने इससे पहले कई बार ये सुना होगा कि इस तारीख को दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन असल में पृथ्वी का अंत कब होगा ये कोई नहीं बता सकता। हाँ, ये बात सच है कि एक न एक दिन पृथ्वी का अंत होना जरूर है, लेकिन ये कब होगा इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि प्रकृति का एक सीधा सा सिद्धांत है कि जिसका जन्म हुआ है उसका विनाश निश्चित है, और जिसका विनाश हुआ है वह एक बार फिर से एक नए जीवन की ओर बढ़ जाता है। और दोस्तों, ये तो प्रकृति का नियम है, जिस किसी भी चीज की शुरुआत हुई है उसका अंत भी होगा। ठीक ऐसा ही पृथ्वी के साथ भी होगा। आपको ये पता ही होगा कि करोड़ों साल पहले हमारी पृथ्वी केवल डायनासोर का घर हुआ करती थी, लेकिन कई करोड़ सालों तक हमारी पृथ्वी पर उन्होंने राज भी किया, लेकिन फिर एक दिन अचानक से सभी डायनासोर लुप्त हो गए। अभी से पृथ्वी का अंत हो गया था, यानी पृथ्वी से जीवन समाप्त हो गया था। तो अब आप समझ गए होंगे कि पृथ्वी का अंत भविष्य में भी होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पृथ्वी के अंत से जुड़ी वो सभी भविष्यवाणियां जिनमें पृथ्वी के अंत की बात कही गई, लेकिन इनमें से कुछ एक भविष्यवाणियां तो गलत साबित हो चुकी हैं, लेकिन कुछ का होना अभी बाकी है, तो क्या पता इनमें से कुछ सच भी साबित हो जाएं। इसलिए आपको इनके बारे में जानना भी चाहिए और जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इन भविष्यवाणियों के बारे में। सबसे पहली भविष्यवाणी की बात करते हैं जो कि दी गई माया सभ्यता द्वारा, और इन्होंने एक तारीख दी थी 21 दिसंबर 2012 की। दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका की प्राचीन सभ्यता है माया सभ्यता, जिसकी शुरुआत 1500 ईसा पूर्व में हुई थी, और इसे खगोल के मामले में काफी उन्नत भी माना गया है। और तो और, अंतरिक्ष के बारे में उन्होंने जितनी भी भविष्यवाणी की हैं वो सभी सच साबित हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि माया सभ्यता द्वारा जो कैलेंडर बनाया गया था उसमें 21 दिसंबर 2012 के आगे की कोई तारीख ही नहीं लिखी है। दरअसल माया सभ्यता का कहना था 21 दिसंबर के बाद पृथ्वी का अंत हो जाएगा। उनके हिसाब से 21 दिसंबर 2012 को पृथ्वी पर प्रलय का दिन होना है। ये खबर आपने भी टीवी पर सुनी भी होगी, जब हर तरफ यही सुनने को मिल रहा था कि साल 2012 के अंत में दुनिया खत्म हो जाएगी। और तो और, इस पर हॉलीवुड फिल्म 2012 भी बन चुकी है। इस फिल्म के ट्रेलर ने इस भविष्यवाणी को और ज्यादा फैला दिया था। इस खबर को सुनते ही लोग बुरी तरह से डरने लगे थे। हालांकि बाद में दुनिया को खत्म करने वाली ये भविष्यवाणी एक अफवाह साबित हुई। मिंग चेन, 25 मार्च 1988। ताइवान के धार्मिक गुरु मिंग चेन ने ईसाई और बौद्ध धर्म को आधार बनाकर एक भविष्यवाणी की थी, जिसके अनुसार 25 मार्च 1988 को भगवान खुद धरती पर आएंगे, क्योंकि इंसानों की वजह से पृथ्वी पर पाप पड़ गया है, इसलिए भगवान धरती पर आकर संपूर्ण मानव जाति को इसके लिए सजा भी देंगे और सभी मनुष्य का अंत हो जाएगा। दोस्तों, इस भविष्यवाणी को इसलिए भी लोग सच मानते थे क्योंकि मिंग चेन को फॉलो करने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में फैले हुए थे, इसलिए लोग उनकी भविष्यवाणी को सच मान लेते हैं। और जैसे ही 25 मार्च की तारीख पास आने लगी, लोग डर के मारे घर में कैद हो गए, और कुछ ने तो अपनी जॉब, अपना बिजनेस सब छोड़ दिया, क्योंकि वे जिंदगी के आखिरी दिन परिवार के साथ बिताना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, मिंग चेन की भविष्यवाणी तब गलत साबित हो गई जब 25 मार्च के बाद 26 मार्च के सूरज को लोगों ने उगते हुए देखा। इस तरह ये भविष्यवाणी भी एक अफवाह बनकर रह गई। एंड टाइम प्रोफेसिस, इस भविष्यवाणी में कहा गया था कि 29 जुलाई 2016 से पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों के पलटने के कारण आपदाएं शुरू हो जाएंगी और कई तरह की सुनामी और भयानक भूकंप का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। तभी एक उल्कापिंड की धरती से टक्कर हो जाएगी, इससे बड़ी मात्रा में ऊष्मा पैदा होगी, यानी कि एनर्जी निकलेगी, आग फैलेगी जो कि एक परमाणु बम के बराबर होगी, और ऐसे में पृथ्वी पर मौजूद जीवन पूरी तरह से समाप्त हो सकता है। लेकिन साल बीता और 2016 की भविष्यवाणी भी गलत साबित हो गई। न्यूटन, 2060। फादर ऑफ मॉडर्न साइंस के जनक न्यूटन का कहना कि हमारी इस खूबसूरत दुनिया का अंत 2060 तक हो जाएगा। दोस्तों, न्यूटन ने यह बात ऐसे ही नहीं कही थी, बल्कि इसके पीछे एक फॉर्मूला था। उन्होंने 1704 में एक नोट लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि एक समय आएगा जब पृथ्वी की घूमने की गति ही बदल जाएगी और इसे दिन और रात आधे हो जाएंगे। साल 2060 के बाद पृथ्वी पर समय खत्म हो जाएगा, और न्यूटन ने ग्रेविटी और दूसरे ग्रहों को भी इस भविष्यवाणी का आधार बनाया था। और दोस्तों, जब ये भविष्यवाणी सच होती है या फिर औरों की तरह ये भी एक अफवाह बनकर रह जाएगी, तो हमें 2060 में ही पता चल पाएगा। हालांकि समय अभी काफी लंबा है और अब तक इसका इंतजार हमें करना ही पड़ेगा। नास्त्रेदमस, 5080। वैसे तो नास्त्रेदमस की कई भविष्यवाणियां की हैं, लेकिन हम पृथ्वी के अंत की बात कर रहे हैं, तो इससे जुड़ी ही भविष्यवाणी पर आते हैं। नास्त्रेदमस की कई भविष्यवाणी सच भी साबित हुई है। उन्होंने प्रलय के बारे में लिखा है कि एक आग का गोला पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है और यह आगे चलकर धरती से मानव विलुप्ति का कारण बनेगा। हालांकि होगा कब, इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिली है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा 7वीं शताब्दी में होगा, लेकिन कुछ लोगों का कहना कि ये बहुत बाद में होगा, जब दुनिया में तीसरा युद्ध चल रहा होगा और तब आकाश से एक उल्कापिंड आकर हिंद महासागर में गिरेगा और फिर समुद्र का सारा पानी आकर धरती पर फैल जाएगा। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि एक भयानक टक्कर की वजह से धरती अपनी धुरी से हटकर अंधकार में चली जाए।
अब अगर हमें इस भविष्यवाणी की सच्चाई देखना है तो हमें 5080 का इंतजार करना होगा और ये भी सच है कि उस समय तक तो हम जीवित रहने वाले नहीं है, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। वैसे कुछ लोगों का ये भी दावा है कि हम मानव पृथ्वी पर केवल 1000 साल तक ही रहने वाले हैं, उसके बाद पृथ्वी का अंत हो जाएगा। इसलिए तो दोस्तों हम मानव लगातार पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश कर रहे हैं और हमने ऐसा ही एक मंगल ग्रह खोज निकाला है जहां जाकर हम मानव जीवन शुरू कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए अभी हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि मंगल पर अभी तो हम इंसान जा भी नहीं सकते। अब हमने आपको ये जो भविष्यवाणी बताई है इनमें से कुछ तो बीत गई है और कुछ अभी आने वाली है, लेकिन इतना तो आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से हम मनुष्य पृथ्वी पर रहकर प्रदूषण फैला रहे हैं इसका नष्ट होना तय ही है। अब पृथ्वी का अंत कब होगा ये हम नहीं बता सकते, लेकिन भविष्य में क्या हो सकता है ये कोई नहीं बता सकता। दोस्तों वैसे अगर इन भविष्यवाणियों को छोड़कर वैज्ञानिकों की मानी जाए तो उनके अनुसार पृथ्वी का अंत एक अगला चरण अब से 5 से 7 अरब वर्षों में दिखाई देगा। दरअसल एक वक्त ऐसा आएगा जब सूर्य एक तारे से एक विशाल हीलियम के जलने वाले लाल विशालकाय गोले में बदल जाएगा। उस वक्त इसकी गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि पृथ्वी पर कुछ भी इस गर्मी को झेल नहीं पाएगा। बढ़ती गर्मी और चमक की वजह से सूर्य अपने वर्तमान आकार से सैकड़ों गुना बड़ा हो जाएगा। इसके बाद गर्मी पृथ्वी की सतह को पूरी तरह से लाल चट कर देगी। फिर पृथ्वी पूरी तरह से बंजर हो जाएगी, बंजर भूमि बिल्कुल आज के मंगल की तरह। इसके बाद जैसे ही सूरज ठंडा होगा तो उसके 2 संभावित अंत होने की संभावना है। यह ठंडा होने से पहले ही लाल विशालकाय चरण हमारे ग्रह को निगल जाएगा, इसे अलग कर देगा। जब यह अलग होगा तब एक अंतरिक्ष में चट्टान के रूप में मरने के लिए तैरने वाला सौरमंडल का एक हिस्सा होगा। लेकिन इस नजारे को देखने के लिए हम में से कोई भी इस दुखद स्वप्न को देखने के लिए जीवित नहीं बचेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।